हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो है चॉकलेटी बिस्किट पाई। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसे बनाने के लिए एक पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है। आइए अब मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। देखिए, मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून कंडेंस्ड मिल्क। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5 टीस्पून क्रीम। मैं घर की मलाई का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए अब मैं चॉकलेट मेल्ट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। अब मैं इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी। देखिए, मैंने पानी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चॉकलेट वाला बाउल। इसमें एक टुकड़ा बटर ऐड करूँगी, जिससे हमारे ग्राश में अच्छी सी शाइनिंग आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून क्रीम। मैं क्रीम डालने के बाद इसे 10 से 20 सेकेंड तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। देखिए, अब हमारा चॉकलेट मेल्ट होने लग गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इन सारी चीज़ों को असेंबल करूंगी। देखिए, मैं सबसे पहले बिस्किट लूंगी। अब मैं बिस्किट के ऊपर वो बैटर डालूंगी जो मैंने मिल्क पाउडर से तैयार किया था। मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और फिर मैं ऊपर से एक बिस्किट की लेयर डालूंगी। देखिए, मैं इसे हाथों से हल्का सा दबाकर चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। देखिए, अब ये सेट हो चुका है। अब मैं उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालूंगी और मैं इसे भी स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर दूसरे बिस्किट की लेयर डालूंगी और मैं इसे हल्के हाथों से दबा दूंगी ताकि चॉकलेट गनाश चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए। देखिए, मैं इस तरह से एक सेट तैयार कर ली हूँ और मैं इस तरह से सारे बिस्किट्स को तैयार कर लूँगी। देखिए, मैं इस तरह से सारे बिस्किट्स को तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर डालूँगी चॉकलेट गनाश की। देखिए, मैं इस तरह से अच्छे से कोट कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट गनाश से अच्छे से कोटिंग कर दी है। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी। मैंने उस पर पहले से बटर पेपर करके रखा हुआ है। देखिए, मैं इसे फॉक की हेल्प से निकाल लेती हूँ। देखिए, मैं इसी तरह से सारे बिस्किट के सेट्स को रेडी कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे बिस्किट के सेट्स को इस तरह से रेडी कर लिया। अब मैं इसे 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। देखिए, 1.5 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसे बटर पेपर से रिमूव कर दूंगी। देखिए, बटर पेपर पे डालने से इस तरह इजीली ये रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं इस तरह से सारे बिस्किट के सेट्स को रिमूव कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं चॉकलेटी बिस्किट पाई तैयार है। ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। देखिए, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी वाइट चॉकलेट, मैंने उसे मेल्ट किया हुआ है।
देखिए अब मैं इस तरह से सारे बिस्किट्स पे डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं डिलीशियस चॉकलेटी बिस्किट पाई तैयार है। और आपने देखा ही बनाना कितना आसान था और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।